सिनेमा 1932 में बना था। शुरू शुरू में यहाँ प्ले होते थे, पृथ्वीराज कपूर वगैरह प्ले करते थे। उसके बाद में फिल्मों का दौर शुरू हुआ तो फिल्में शुरू हो गई। उसके बाद में एक दौर ऐसा है जब राज कपूर का जमाना था, राज कपूर की सारी पिक्चरें आई थी, इसलिए सिनेमा पुरानी यादों से जुड़ा हुआ है। जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी, लॉर्ड माउंटबेटन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन और जी आपका इंदिरा गांधी और आपके अटल बिहारी वाजपेयी, तो रीगल की वो पहचान तो नहीं रही ना, वो पहचान तो खत्म हो गई। वो पहचान तो जब तक है जब तक रीगल चल रहा है, उसके बाद में केवल नाम है, पहचान तो खत्म हो गई। आपको लगता है आपकी खुद की पहचान भी उसके साथ समाप्त हो जाएगी? आपको पहले ही बोल दिया कि हमारी पहचान रीगल से है और रीगल बंद हो गए तो हमारी पहचान, आप लोग हमें कहते हैं वर्मा वो रीगल में जो काम करते हैं, ऐसे बोलते हैं ना लोग। अब तो ये कहेंगे आओ जो रीगल में काम करते थे, कोई वो टाइम देखा हुआ है जब यहाँ इतनी मारामारी टिकटों की होती है, अगर हमने किसी को टिकट दिलवा दिया तो आज तक सलाम मारता है, अभी तक सलाम मारता है टिकट दिलवाने में, क्योंकि टिकट 20-20 हफ्ते तक टिकट नहीं मिलता था, हाउस फुल चलता था। आज तो हाउस फुल के बोर्ड भी हमें याद नहीं कब हाउस फुल का बोर्ड चला था यार। कभी कभी कोई पिक्चर आती है बंदूकों में तब हाउस फुल बोल रहा है, उस समय तो यहाँ बत्ती जल जाती है, नॉन मैटनी इवनिंग नाइट फुल, सुबह आते ही देखे तो चारों बत्ती जल्दी है, वो ऐसा है। तो आपको कोई लेटर्स मिलते हैं रीगल ऑडियंस? लेटर मुझे आया, किसी ने भेजा है, मैं उर्दू बनी आपको, उसमें यही लिखा उसने कि मैं यहाँ आता था और मैं प्ले देखता था पृथ्वीराज कपूर के, 90 साल की उम्र है इसकी, आपने जिसने भेजा लेटर वो कभी शौकीन है वो भी रीगल में आने। तो अभी ये जब बंद होएगा सिनेमा हॉल कल लास्ट स्क्रीनिंग के बाद, तो आप कहाँ जाएंगे? आप कुछ आपको आइडिया है? देखो जी, फिर मैं मुझे कहना पड़ेगा, मैं राज कपूर का बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे कहना पड़ेगा जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना है, हमने कहाँ जाना है? अब हमारी उम्र जाएगी ही नहीं है, वैसे मालिक की तरफ से हमें ये छूट है कि आप जब तक काम कर सकते हैं, जो अब चहल पहल होती है वो चहल पहल तो नहीं मिलेगी, देखने शमशान रहेगा थोड़ी सी है वाटा, एक दो चार आदमी हैं, चौकीदार है, चपरासी है, वहाँ है, मैनेजर है, वो भी किसी काम के लिए नहीं, थोड़ा बहुत काम किया चले जाएंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं रहेगी, वो चीज़ तो खत्म हो चुकी है।